गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। सुबह की शुरुआत जैसे कि हो गई है, मैं जस्ट अभी 10 से 15 मिनट में ऑफिस जाने वाली हूँ, क्योंकि रोनो को मैंने आज जल्दी उठा दिया था क्योंकि कल उसका पेपर है। तो फिर वो सोता रहता है मेरे जाने के बाद, तो मैंने उसे बोला तू उठ जा और नहा ले। वो नहा रहा है अभी, तो उसके बाद मैं उसको दूध दे दूँगी। दूध देने के बाद मैं सीधा ऑफिस निकल जाऊँगी। मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो गया है फिनिश, और मैं पूजा भी कर चुकी हूँ, मैं खाना वाना सब रेडी कर चुकी हूँ। तो मैं गाइस मिलती हूँ आपको दोबारा। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारा सांझा चूल्हे रसोई में। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं सम टाइम कभी ना कोई कोई रेसिपी निकाल लेती हूँ, वो भी ऐसी वाली रेसिपी जो बहुत ही इजी होती है, जो आपके लिए भी इजी हो और खास करके मेरे लिए जो मैं भी बनाने वाली हूँ तो मेरे लिए भी इजी हो। तो मैं बना रही हूँ आज जो शादियों में जो और पार्टी में जो आलू गोभी बनती है उसको आसान तरीके से, बिल्कुल वैसा ही स्वाद जो होता है जो शादी पार्टी में हम खाते हैं, तो वैसा स्वाद कैसे बनेगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी गाइस। उसके लिए मैंने लिए सबसे पहले ये दो गोभी के फूल लिए मैंने। और मैं आपको एक चीज गाइस बता देती हूँ कि जब भी आप गोभी लो ना, तो गोभी को कम से कम जैसे कि आज हमें बनानी है तो 2 से 3 दिन पहले आपको लेकर रखना है। क्यों लेकर रखना है? क्योंकि जो नई गोभी होती है ना उसमें थोड़ा सा पानी होता है, तो पानी की वजह से क्या होता है जब इसको फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़ी सी बिखरने लग जाती है, टूटने लग जाती है। तो जब भी आप गोभी बनाओ, खास करके तब जब आपको उसको फ्राई करके बनाना है, तो वैसे भी और अगर आपको नॉर्मल तरीके जैसे हम घर पे बनाते हैं वैसे भी अगर बनाना है तभी भी आप थोड़ी सी 1-2 दिन पुरानी या 2-3 दिन पुरानी गोभी लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि उसमें ना पानी होगा, पानी सूख जाएगा, और दूसरा उसमें जैसे हम उसको फ्राई करेंगे तो बिखरेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो उसके लिए मैंने ये 2 गोभी के लिए हैं फूल, छोटे छोटे से, ज़्यादा बड़े नहीं लिए क्योंकि ज़्यादा हमें बनानी नहीं है। और ये जो डंडल होते हैं ना गाइस, इसको मैं नहीं फेंकूंगी, खास करके ये डंडल बहुत टेस्टी होते हैं। तो ये 2 डंडल मैंने संभाल के रखे हैं जो मैंने कट कर लिए, साइड इसकी कट कर लिया आराम से थोड़े तरीके से, ताकि अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा खराब ना हो। तो अब मैं इसको कैसे बनाऊंगी गाइस, प्लीज़ आप मुझे फॉलो जरूर करिए गाइस। यहाँ पे आलू और गोभी को मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। तो आज मैं गाइस आपको कोई रेसिपी व्लॉग नहीं दे रही हूँ, तो सिर्फ जैसे मैं आज सब्जी बना रही हूँ मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे से आलू गोभी को बनाती हूँ फ्राई करके। तो आप प्लीज़ वैसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। तो इसके लिए गाइस मैंने लिए 2 गोभी और इसके लिए लिए 4 आलू, और आलू को थोड़ा बड़ा बड़ा ही आपको कट करना, ज़्यादा छोटा कट नहीं करना है, और आलू को भी थोड़ा लंबाई में आपको कट करना, ज़्यादा बारीक नहीं कट करना, जिससे कि अगर वो फ्राई करेंगे तो वो मतलब नॉर्मल तरीके थोड़े बड़े पीसेज ही नज़र आए, वो ज़्यादा पीसेज उसके छोटे छोटे ना नज़र आए, क्योंकि उससे क्या उसका कलर भी नहीं अच्छा आएगा, वो दिखने में भी अच्छी नहीं लगेगी, और जब चीज़ दिखने में अच्छी नहीं लगती तो वो खाने में भी अच्छी नहीं लगती। तो गाइस हम पहले ये चीज़ देखेंगे कि हमारा जो भी हमारी रेसिपी बन रही है वो दिखने में अच्छी लगे, उसके बाद उसमें स्वाद प्रॉपर तरीके से। तो गाइस यहाँ पे मैंने गोभी को कट कर लिया है, आप देख सकते हो इसके थोड़े से बड़े और बड़े बड़े पीसीस ही रखे हैं मैंने ज़्यादा छोटे नहीं काटे, क्योंकि जब इसको फ्राई करेंगे ना गाइस तो ये ऐसे ही थोड़ी सिकुड़ जाती है और थोड़ी श्रिंक हो जाती है, तो उससे क्या होता है वो थोड़ी सी कभी कभी बिखरने भी लगती है छोटी होने की वजह से। इस वजह से मैंने इसके थोड़े से बड़े फूल ही काटे हैं ताकि इसको तलने के बाद इसको दिक्कत ना हो, और साथ में कट करे हैं मैंने ये लंबाई में थोड़े इस तरीके से आलू। तो गाइस इसके लिए हमने लिए 4 हरी मिर्च और ये थोड़ा सा अदरक लिया जिसको हम पीसेंगे मिक्सी के अंदर। और मैं आपको चीज़ एक और बता दूँ गाइस कि जब भी हम लोग शादी पार्टी में जो आलू गोभी बनती है उसके अंदर हम कभी भी प्याज यूज़ नहीं करते, उसके अंदर सिर्फ डलता है टमाटर। टमाटर का भी जो टमाटर हम जो पीसते हैं उसमें भी हमें उसको तब तक पकाना होता है जब तक कि उसके अंदर की जो खटास होती है ना वो ख़त्म ना जाए और जो मसालों का टेस्ट है ना वो ऊपर उठ के आए। तो मैं इसी ये कि इसमें प्याज आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर जो डलेगा लहसुन, सॉरी इसके अंदर लहसुन भी नहीं डलेगा, इसके अंदर डलेगा अदरक और हरी मिर्च, और साथ में ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डलेगा इसमें। तो हाँ, मेरी हीरोइन कहाँ से आ रही है? कहाँ पे गई थी? सही लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है, ब्यूटीफुल। तो गाइस आप ये देखो कि अच्छा अच्छा ये कट बड़ा प्यारा लगता है साइड पे वैसे, है ना? पहले टाइम पे चीना ये बहुत चलते थे, ये खुल खुल हाँ अच्छा लग रहा है। नीचे देखो ये यहाँ, ये देखो ये यहीं तक है। हाँ 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 ये थोड़ा ऊपर की साइड तक होता है ना ये। सही है, और ऐसे ना ऐसे है, मैं तो अभी थोड़ी अभी मौसम थोड़ा ऐसा है ना इस करके, अच्छा लग रहा है बिल्कुल। इसको ऊपर पहनना ही क्यों है वैसे भी, ट्रैवल इतना चलिए। हाँ ढका ही हुआ है ये प्रॉपर, पूरा हल्का हल्का सा तो पेट दिखता ही है। हाँ वो थोड़ा स्टाइल हो जाता है ना बीच की साइड पे, थोड़ा ये 2 पीस हो गया, हाँ गैप रखा होता है। शर्ट भी साथ में थी ना? अच्छा ये शर्ट साथ में थी, साथ में ही है। अच्छा बड़ा प्यारा लग रहा है, पर अभी कहीं जा रही है क्या तू? नहीं, वो है मम्मी के साथ। और ये आंखों पे क्या कर रहा है तुम्हें?
अरे वाह पर नहीं अब मैं हर किसी के अलग अलग कलर हो तो पर अच्छा लग रहा है ये इसके साथ ना बहुत अच्छी लुक आ रही है मस्त लग रही है बढ़िया। गाइस यहाँ पे आलू और गोभी को मैं हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। तो आज मैं गाइस आपको कोई रेसिपी व्लॉग नहीं दे रही हूँ, तो सिर्फ जैसे मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि मैं कैसे कैसे से आलू गोभी को बनाती हूँ फ्राई करके। तो आप प्लीज़ वैसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करना। तो गाइस इसी के साथ डालूंगी मैं थोड़ा सा घी गर्म करके हल्का सा जीरा, और इसके साथ डालूंगी हल्की सी हींग। और मेन जो आपको हींग का स्वाद आएगा, और साथ में डालना है ये दालचीनी और बड़ी इलायची, और इसी के साथ डालना है थोड़ा सा तेज पत्ता। और इसको हल्के से भूनने के बाद आपको डालना है ये मिर्च और अदरक जो मैंने पीस ली थी, तो इसके अंदर आपको मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा इसको भूनने के बाद गाइस आपको डालना है ये टमाटो जो मैंने पीस लिया। और मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, आपको इसमें प्याज और लहसुन मैंने यूज़ नहीं करा है, जो साबुत होता है ना लहसुन वो यूज़ नहीं करा है। अगर इसमें मैं यूज़ करूँगी गाइस, अभी तो मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट होता है वो यूज़ करूँगी, पर प्याज आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और लहसुन जो दूसरा वाला लहसुन होता है मेन, उस वो आपको यूज़ नहीं करना, मेन आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज़ करना है। और इसी के साथ डाल देंगे हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, और इसमें डालना है आपको अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च बिल्कुल हल्की सी, और साथ में डालनी है थोड़ी सी हल्दी, और इसको अच्छे से मिक्स कर देना गाइस। इसको तब तक पकाना है, इसको ढक के रख देना कम से 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि जो ऑयल जो है वो ऊपर दिख जाए आपको। और जब ऑयल ऊपर की तरफ आ जाता है तब ये साबित हो जाता है कि मसाला पक चुका है। तो आप देख सकते हो गाइस कि ये ऑयल ने मसाले ने ऑयल छोड़ दिया है, देखो ऊपर ऊपर आ गया मसाला, प्रॉपर पूरी तरीके से पक चुका है। और इसके अंदर डालेंगे हम अभी ये गोभी और आलू जो हमने फ्राई करा था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो गाइस देखो मैंने गोभी को मिक्स कर लिया आलू को, अब इसको आपको कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए आपको ढक के रख देना, ताकि गोभी और आलू के अंदर पूरे मसाले का टेस्ट आ जाए। और उसके अंदर डालेंगे, उसके बाद हम लास्ट में डालेंगे ऊपर सजावट के लिए थोड़ा सा धनिया, और साथ में गरम मसाला जो हम ऐड करेंगे लास्ट में। अम्मा कल तो आपकी छुट्टी है, कहाँ जाना है? कल मेरी छुट्टी नहीं है। तो करोगे आप? हाँ, ये मम्मी आप छुट्टी कर दो। छुट्टी करे तो कहाँ जाना है? कल हम पहले सुबह मेरे काम करने हैं, ठीक है? मेरे एक दो काम हैं जो छुट्टी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं, पहले मुझे वो करना है सुबह उठ के जल्दी, और उसके बाद फिर तेरे को स्कूल छोड़ के आना है, और उसके बाद फिर तुझे लेके भी आना है। तो फिर शाम को तेरे स्कूल आने के, शाम को कहीं जा सकते हैं, मतलब जब तू स्कूल से आ जाएगा ना एग्जाम देके, फिर उसके बाद जा सकते हैं। तो देखेंगे, या तो फिर नानी घर जाएंगे, वो तो जाने जाने क्योंकि मेरा मन कर रहा है जाने का, और दूसरा देखते हैं, या तो फिर मन कर रहा है बंगला साहिब गुरुद्वारा जाने का, बहुत टाइम से नहीं गए वो, तो अगर टाइम भी हम जा पाए तब, क्योंकि फिर शाम के टाइम फिर प्रॉब्लम भी हो जाती है ना आने जाने में, या फिर इस्कॉन मंदिर दोनों में से एक जगह पे जाएंगे। ठीक, तो तू उसने बोला था ना इस्कॉन मंदिर जाने का मन कर रहा तेरा, तो मैंने कहा चल देखती हूँ दोनों में से किसी एक जगह पे तो जाएंगे जाएंगे, कम से कम छुट्टी का एक मीन तो निकले ना कि कुछ करा है हमने, कुछ काम तो करा है। मैं सारे काम सुबह से लेकर शाम तक करने वाली हूँ, सारे काम ही इम्पोर्टेंट है, पर एंजॉय वाला काम तो सिर्फ यही होगा ना कि ठीक है या तो बाहर कहीं चले जाएंगे तिलक नगर मार्केट, या कहीं घुमाएंगे, या फिर मंदिर चले जाएंगे, तो वो देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बस अभी बन रही है सब्जी, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर ऐसा बातें कर लूं। तो मुझे ये बता फिर कब बनाएगा मेरे साथ? क्या रील बना लूंगा? कब? अभी देखते हैं। तो ऐसे करेंगे, देख इतने दिनों से मैं भी सबको बोल रही हूँ गाइस को कि मैंने बालों में कलर लगाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो बालों में मेरा कलर तो लग नहीं रहा गाइस, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे, मेरा काम ही लेट खत्म होता है रात को, क्योंकि शाम को लेट काम शुरू होता है, तो उसकी वजह से काम रात को लेट खत्म होता है, फिर उसके बाद सोने की पड़ी होती है क्योंकि सुबह जल्दी उठना होता है, इस वजह से बहुत दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है लाइफ को गाइस, कहते हैं ना वो जो ECG होती है ना, ये वाली ऐसे ऐसे करके जो लाइंस आती है, जब ECG होती है डॉक्टर हमारी वेंटिलेटर पे होता है, पी पी, हाँ वही, तो जैसे ऐसे अप डाउन करती है ना वो, तो लाइफ ऐसे ही ऐसे करती रहनी चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, क्योंकि अगर वो ऐसे सीधे हो जाएगी ना तो समझो हम खत्म हो गए,
तो वो चीज तो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके बाद फिर लाइफ में कोई मजा ही नहीं देगा। क्योंकि अगर सारी चीजें अच्छी होने लगी ना, फिर एक्साइटमेंट नहीं होगी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। मेरे हिसाब से कि ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम्स भी नहीं आनी चाहिए किसी की लाइफ में, पर ज्यादा स्मूथ भी नहीं चलने चाहिए कि उससे क्या लगे कि सबकी जिंदगी में दुख होना चाहिए। तो सबकी लाइफ में सब कुछ एक्साइटेड होते रहना चाहिए मेरे हिसाब से तो यही है। क्योंकि मेरी लाइफ में चल रहा है ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो ठीक है लाइफ चल रही है, थोड़ा टाइम पास भी हो रहा है, थोड़ी दिमाग भी लगा हुआ है। क्योंकि अगर लाइफ ऐसी चलती रहती ना, तो शायद मैं इस टाइम डिप्रेशन में होती, मे भी शायद। अगर मेरी लाइफ ऐसे ऐसे नहीं हो रही होती ना, या फिर रोना की जिम्मेदारी नहीं होती, तो शायद मेरी लाइफ स्मूथ होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो शायद मैं वेंटिलेटर क्या बोलते रहते हैं, डिप्रेशन में होती, वेंटिलेटर पे नहीं जाना अभी क्या बोल रहे हो? जाना ही क्यों आया था, बस करो ना, क्यों जाना है भाई? जब भगवान बुलाएगा तब जाना है, तो वेंटिलेटर पे नहीं जाना गाइस। हाँ। तो फिर एक तो जबरदस्ती का रोकने वाला काम हो जाता है ना, या तो लाइफ ऐसी हो कि ऐसे सो रहे तो बस सोते रह गए, वो होना चाहिए। तो वो तो पता नहीं कब हो जाए। तो कहने का मतलब वेंटिलेटर पे नहीं जाना मुझे, मतलब डिप्रेशन में मुझे नहीं जाना, इसलिए तो मैं अपने आप को थोड़ा सा बिजी रखती हूँ गाइस। आप सबको देख के लगता होगा कि शायद मुझे एक दो कमेंट्स ऐसे भी आया है कि लोगों ने बोला कि अभी इनके हस्बैंड को एक साल भी नहीं हुआ गए हुए और ये डांस कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। तो गाइस वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं होता गाइस। डांस जो हम लोग करते हैं, हम दिखाते लोगों को कि ठीक है हम ठीक है, पर एक्चुअल में हम अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश करें, ताकि क्योंकि जितना हम सोचेंगे ना चीज़ों के बारे में, उतना ही परेशान होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो सबको ये लगता है कि ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। तो अभी धमाके के बाद जो हमारा खाना तैयार होकर आएगा गाइस, क्योंकि मेरी सब्जी भी बन रही है और मैंने रोटी बना चुकी हूँ। मैंने सोचा कि सब्जी, क्योंकि जब मैं सब्जी बना रही थी तो मैंने आलू फ्राई कर लिए थे, मैंने गोभी फ्राई कर लिए थे, और तड़का भी लगाना था मुझे। तो मैंने सोचा कि जब तक ये काम हो रहा है, तब तक मैं चपाती बना लूँ। तो इस करके रोटी वो बन चुकी है और अभी बस 5-7 मिनट 10 मिनट लगेंगे, सब्जी बन जाएगी, उसके बाद हम खाएंगे गर्मा गर्म खाना। तो गाइस हमारी आलू गोभी बनके जो है रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खिली खिली सी बनी है और ऑयल भी छूट गया है, तो ये प्रॉपर तरीके से पक चुकी है। उसके ऊपर डालेंगे हम थोड़ा सा स्वाद के लिए धनिया पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, और हम लास्ट में जो करेंगे इसकी सजावट करेंगे, वो करेंगे धनिया से। तो गाइस मैं आपको तो धनिया की एक फ्रेशनेस आती है जो कि खाने को और भी ज्यादा यम्मी और टेस्टी बना देती है। वो तो है, है ना। तो इसको अच्छे से कर लेना है आपको मिक्स। अब ये बिल्कुल बन गया, हमारी रेडी हो चुकी है सब्जी, जो आप चपाती के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, और साथ में हल्का सा आप दही ले सकते हैं अगर आपका दिल हो तो। गाइस ये कह रहा है कि हरा धनिया मम्मी आपने बहुत डाला है, तो मैंने हरा धनिया ज्यादा नहीं डाला, बल्कि उसके पीछे की जो डंडी होती है ना, मैंने वो भी कट करके तो ज्यादा ही हुआ। तो डंडी आपको वेस्ट नहीं करनी है, उसको भी कहीं नहीं यूटिलाइज करना है, तो आप उसको फेंकिए मत कभी भी, उसको अच्छे से छोटे 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 कट करके आप उसको सब्जी में डाल सकते हैं। तो जानवरों को भी खिला सकते हैं। हाँ इतने इतनी डंडियाँ जानवर, कुछ कौन से जानवर, गाय को खिलाएगा, इतनी सी सूंघेगी भी नहीं वो। चलो कोई ना, फिर सब्जी में डाल देंगे कुछ भी। ओके गुड नाइट गाइस, इसी के साथ आज के व्लॉग का अंत हम यहीं पे करते हैं। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तब तक गाइस आप सब लोग अपना ख्याल रखना, और आपके प्यार और आपके सपोर्ट के लिए गाइस थैंक यू सो मच। और इसी तरह से प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।